बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि मंगलवार को ईडी ने एल्विश यादव से 9 घंटे तक पूछताछ की। सांपों की तस्करी से लेकर यूट्यूब से उनकी कमाई पर ईडी ने सवाल डाले। इससे कई बार उसे असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा। ईडी की पूछताछ में एल्विश यादव कई बार असहज दिखे और सवालों को गोलमोल जवाब देने की कोशिश में रहे। ईडी के अधिकारियों ने एल्विश से सांपों की तस्करी के बारे में पूछताछ की। उसने कहा कि वो किसी भी तरह की तस्करी में शामिल नहीं है, सिर्फ एडवेंचर के लिए सांपों को गले में डालकर उसने शूटिंग की। मेरे सहयोगी एहसान रिजवी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एहसान, क्या 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 पूछताछ हुई, क्या क्या सवाल पूछे गए एल्विश यादव से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब सवालात का दौर शुरू हुआ 9 घंटे चार दीवारी के अंदर एल्विश यादव को सवालों के कटघरे में ईडी के अफसरों ने खड़ा कर रखा था और 9 घंटे जो सवालात हुए उसमें से ये सवाल किए गए कि जो सांपों की जो तस्करी का मामला है, सबसे पहला सवाल जो जानकारी के अनुसार पता चल रहा है वो ये था कि जो सांपों की तस्करी का मामला है उसमें आपकी संलिप्तता कैसे है। तो साफ तरीके से एल्विश यादव ने सवाल के जवाब देते हुए खुद की बेगुनाही साबित की थी। एल्विश यादव ने कह दिया था कि मैं इस मामले में संलिप्त नहीं हूं, मैं बेगुनाह हूं। और उसी के बाद जब ये पूछा गया कि इतनी महंगी लाइफस्टाइल, इतनी लग्जरी गाड़ियां, विदेशी दौरे और जो आपके बैंक्स में खाते में पैसे आते हैं, विदेशी फंड्स आते हैं, उन सब का ब्यौरा जब मांगा गया, उन सबके लिए जब सवाल किए गए तो उस पर भी एल्विश यादव सटीक जवाब नहीं दे पाए। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि एल्विश यादव के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं और बड़ी बात ये है कि जल्द ही दोबारा एल्विश यादव को ईडी तलब कर सकती है और एक ब्यौरा दिया, एक समय दिया है एल्विश यादव को ईडी के अफसरों ने, जिस समय के अंदर एल्विश यादव को एक ब्यौरा, एक फेहरिस्त तैयार करनी होगी जिसमें जो जो सवाल किए गए हैं और जिन सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए हैं उस समय के अंदर उन सभी सवालों का जवाब ईडी को एल्विश यादव को देना होगा। तो ये सारे सवालात हुए थे। पार्टीज के बारे में भी पूछा गया, क्या ड्रग्स के बारे में भी कोई सवाल किए गए? जी, एनसीआर में हो रही रेव पार्टीज के बारे में भी पूछा गया और जिस तरह से वहां पे ये सांप के जहर का ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में भी सवाल किए गए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिस पे बेबाकी से एल्विश यादव जवाब दे सके हों। यही बात सबसे बड़ी है कि संतुष्टि नहीं मिल पाई ईडी के अधिकारियों को। दूसरी बार जब समन जारी किया गया था, पहली बार जब समन जारी किया गया तो एल्विश यादव नहीं आए और उसका जो वजह बताई वो ये बताई कि वो यूके में थे। अब जब दूसरी बार एल्विश यादव दूसरी बार समन भेजे जाने पर ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए तो उनके पास जो सवालों के जवाब थे वो पर्याप्त नहीं थे जिससे वो ईडी के अधिकारियों को संतुष्ट कर पाए। तो साफ तौर पर अब ये जाहिर है, ये स्वाभाविक है कि जल्द ही ईडी के अफसरान एल्विश यादव को दूसरा और तीसरा समन भेजेंगे जिसमें दोबारा एल्विश यादव को तलब किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।